योगी आदित्यनाथ कांग्रेस में आई भीड़ को देखकर गदगद थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस की रैली में इतनी भीड़ आएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की भीड़ से योगी आदित्यनाथ को क्यों खुशी हो रही है। सवाल ये भी कि कांग्रेस की भीड़ देखकर बीजेपी को क्या फायदा होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपकी स्क्रीन पर हम दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर समाजवादी पार्टी की है और दूसरी तस्वीर अमेठी के राहुल गांधी के दौरे की है। दोनों तस्वीर में तकरीबन एक जैसी भीड़ ही दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों तस्वीरों के पीछे की कहानी अलग अलग है। पहली तस्वीर समाजवादी पार्टी की समझिए। अखिलेश यादव का दावा है कि ये भीड़ सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा करती है और ये भीड़ बदलाव के लिए एक क्रांति का माहौल बना रही है। अखिलेश यादव के साथ यूपी के कुछ पत्रकार और भी दिल्ली में बैठे कुछ अनुभवी लोगों को लगता है कि शायद ये भीड़ यूपी में सत्ता परिवर्तन की तरफ संकेत दे रही है। लेकिन इतना आप सोचेंगे, उसके पहले एक रैली आपको और दिखाते हैं। ये रैली राहुल गांधी की है, वही राहुल गांधी जो अमेठी में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से हार गई थी। कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में है, इस बात का अंदाजा यूपी के एक एक वोटरों को है। लेकिन उसके बावजूद इतनी भीड़ का निकल कर आना, राहुल गांधी के आसपास दिखने वाली भीड़ को देखकर अंदाजा लगाना और ये सब समझना कि क्या भीड़ का मतलब वोट नहीं होता। क्योंकि अगर राहुल गांधी की रैली में इस कदर भीड़ है तो फिर अखिलेश यादव की रैली का मतलब क्या है। अखिलेश यादव की विजय यात्रा के दौरान भीड़ को देखकर समाजवादी गदगद है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब यूपी में कांग्रेस की रैली में भीड़ को देखकर योगी आदित्यनाथ गदगद हैं। राहुल गांधी की हार और सोनिया गांधी के खराब स्वास्थ्य के चलते क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा था, लेकिन राहुल गांधी 2019 की हार के बाद जब पहली बार अमेठी पहुंचे तो उसके बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा बढ़ा दिखा। यहां दो बातें समझने वाली हैं। पहली बात ये कि भीड़ का मतलब वोट नहीं होता। भीड़ को देख के चुनाव का अंदाजा लगाने वालों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। समाजवादी पार्टी की भीड़ और कांग्रेस की भीड़ को देखकर एक बात तो साफ है, यूपी में अपने नेताओं की लोकप्रियता के लिए ज्यादातर समर्थक इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब बात बूथ पर जाकर उन्हीं नेता को जिताने की होती है तो वही समर्थक पलट जाते हैं। यही अमेठी राहुल गांधी को चुनाव नहीं जिता पाया। यह अमेठी कांग्रेस परिवार का लंबे वक्त से गढ़ रहा है, लेकिन ना तो 2017 चुनाव में कांग्रेस के साथ रहा, ना 2019 के चुनाव में राहुल के साथ रहा। अब दोनों पार्टियों की भीड़ पर अंदाजा लगाते हुए कुछ बातें साफ होने लगी हैं। पहली बात ये कि यूपी चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। दूसरी बात ये कि किसी भी पार्टी को सिर्फ उसकी जनसमर्थन को देखकर इस बात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि वो सत्ता में आने वाली है। तीसरी बात ये कि हाल ही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की सभी सीटों पर सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी, उसको देखकर इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि राहुल गांधी की रैली में इस तरीके से भीड़ उमड़ेगी। यानी साफ है, समर्थन, समर्थक और ये कार्यकर्ता एक अलग बात है। सत्ता में वोटों की संख्या, विधायकों की संख्या और मुख्यमंत्री की कुर्सी अलग बात है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ हाथों पे हाथ रख के मंच पे बैठकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि मंच पर मोदी उनकी तारीफ कर रहे थे। दूसरी तरफ उन्हें राहत की सांस मिली जब कांग्रेस की रैली में भी उतनी ही भीड़ आई जो भीड़ समाजवादी पार्टी के रैली में आ रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।